गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आपने लेक्चर नंबर 5 में कंपाउंड के बारे में जो हमने स्टडी की थी, तो आज जो बच्चे हमें न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं या उन्होंने पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 जो है अटेंड नहीं किया, तो मेरी गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 5 को ज़रा स्टडी करें। और आज जो लेक्चर नंबर 6 में तो टॉपिक हमारे पास था जो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में, तो इसमें तीसरा जो ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो पहले मिक्सचर इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन इसको मैंने चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में मिक्सचर को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो आज ये एज ए पूरा जो टॉपिक है टॉपिक के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो मिक्सचर की डेफिनेशन है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी कंपाउंड में और मिक्सचर में यही मेन फर्क है कि कंपाउंड में जब भी जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दे कंबाइन विद ईच अदर केमिकली रिएक्शन इज टेकन प्लेस, न्यू थिंग्स आर फॉर्म एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर बाय फिक्स मास रेशियो। सो इन दिस वे द मिक्सचर इज समवॉट ऑपोजिट ऑफ द कंपाउंड बिकॉज इट मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो, सो दे फॉर्म द मिक्सचर। सो वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स अबाउट द मिक्सचर, सो वी कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर बाई यूजिंग सम फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड जस्ट लाइक वेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड there are some other chemical reactions, so we can separate the constituents of the mixture. So in this way there are two types, agar hum dekhe to isme do iski types hai, pehle number pe homogeneous mixture hai aur dusre number pe jo na heterogeneous mixture hai. Homogeneous jaise ke naam se hi zahir hai ki homo ka matlab same hota hai, so it means that homogeneous mixture the phase of the solution or the phase of the mixture remains the same throughout. So just like we have some example as air, agar hum isko air ko dekhen, air is a mixture of different gases. Ice cream hai hamare paas, ye ice cream, so these are the examples of homogeneous mixture. Or you can say if you dissolve the salt in water and that will give the one phase, उसकी एक ही phase आपको नजर आएगी, तो ये homogeneous mixture की जो है। लेकिन आप इसको आसानी से जो ना अलग अलग भी कर सकते हैं by using physical method, जो भी मैंने आपको बताया। सो हीट्रोजीनियस मिक्सचर मीन उसमें फिजिकल मैथड में जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, और जो मैंने अभी थोड़े बताए आपको कि वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हीट्रोजीनियस में ये चीज है कि द मिक्सचर विच हैज नॉट द यूनिफॉर्म फेज, यानी इसकी जो फेजेस हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे कि आप अगर सैंड है हमारे पास, सॉइल और रॉक्स हैं, या इसी तरह वुड है, ये एग्जांपल अगर हम देखें तो ये इसकी एग्जांपल में आ जाती है। हमारे पास सॉइल है पहले नंबर पे और रॉक्स हैं, रॉक है और ये वुड है, तो ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर शो करती है, ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर को शो करती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको सॉइल को पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो वाटर दैट गिव्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स,
क्योंकि जो ज़्यादा इसमें बिग पार्टिकल होंगे वे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर थोड़े से पर इस तरीके से पानी का जो कलर है वो थोड़ा सा हमें गदला सा नज़र आएगा। तो ये शो करता है कि इसकी एक फेज़ नहीं है, यानी ये डिफरेंट फेजेस शो कर रहा है। इसी तरह रॉक को या वुड को अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो ये हमें इसके जो ना जो फेज़ है वो डिफरेंट, हर एक फेज जो ना उसकी डिफरेंट नज़र आएगी। तो ये हमारे पास जो ना होमोजीनियस मिक्स है। अगर नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपने इसका जो कंपैरिजन अगर हम कंपाउंड और मिक्सर्स का करें तो ये भी आपकी बुक में ये एक पूरा टॉपिक है, तो उसमें आपने ये देखने के करेक्टर्स क्या क्या चीज़ें हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आज हम इसके बारे में जो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के दरमियान जो बड़े बड़े जो डिफरेंसेस हैं उनको भी, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई दफ़ा ये बोर्ड में आ जाता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो इस टॉपिक में मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है डिफरेंसेस हैं वो आपको इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और आपकी बुक में भी ये जो ना ये बयान किया गया है, स्लिप जो टेबल है एक, तो उसमें ये पहली जो बात है हमारे पास कंपाउंड के बारे में, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि केमिकली कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो इसमें एलिमेंट्स और केमिकल कंपाउंड दे कंबाइन विद ईच अदर केमिकली, तो इसकी जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है ये एटम्स के दरमियान ये जरूरी। लेकिन जो मिक्सर में सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस है, तो यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो सिंपल मिक्सिंग के जरिए, और इनमें कोई रेशो भी नहीं होती फिक्स या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम इनको सिंपली जो है, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं ये देखूँ कि मार्कर में तो ये एक कंपाउंड है, यानी इसके अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इसके जो सब्सटेंसेस हैं ये आपस में केमिकली कंबाइन हुए और एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर दी है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो जो कंपाउंड बनी है, लेकिन मैं इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इसको आसानी से वापस नहीं लेकर आ सकता। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, लेकिन जो मिक्सचर है इसके जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हम आसानी के साथ फिर दोबारा से ले सकते हैं। और कई मेथड है हमारे पास, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, और इस तरह जो हम डिस्टिलेशन है, वेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, तो ये सारे के सारे जो ना फिजिकल मेथड हैं जिनके जरिए हम मिक्सर्स को अलग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। जब भी कोई आप केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें प्रॉपर्टीज उनकी वैसे ही रहती है। तीसरे नंबर पे कंपाउंड है फिक्स कंपोजिशन बाय मैस, तो ये जो इनके जो बाय मैस जो कॉम्बिनेशन होती है वो फिक्स होती है, जैसे कि हम आपकी ये बताया कि वाटर है या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 2:16 जो है, यानी 16 एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास 2 हाइड्रोजन का ही है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8 से आप किसी भी तरीके से जब इसको बनाते हैं या बनाएंगे वाटर को तो उसकी जो कॉम्बिनेशन होगी बाय मास वो 1:8 होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें तो ये 12:32 आ जाएगी, यानी 16 2 32, 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का और कार्बन का एटॉमिक मास है ये 12, तो इसमें जो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 और 4 8, तो 3:8 जो है ये इसकी रेशो की फिक्स होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह हर कंपाउंड में उनकी एक खास मास बाय रेशो जो है बाय मास वो फिक्स होती है, लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता। चौथे नंबर पे अगर हम देखें कैन नॉट बी सेपरेटेड
यानी इनको हम आसानी के साथ सेपरेट नहीं कर सकते एंड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और ये चीज़ फिजिकल मेथड में मैंने अभी आपको बताई, फिर एक दफ़ा बताता हूँ कि एवेपोरेशन है और इसमें फिल्ट्रेशन है और जो क्रिस्टलाइजेशन है और इसमें मैग्नेटाइजेशन है। तो ये सारी की सारी जो मेथड है फिजिकल, इनसे हम इनको अलग कर सकते हैं इनको यूज करके। पांचवें नंबर पे रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। तो कोई भी जो कंपाउंड है उसका एक केमिकल फार्मूला है, जैसे अगर हम सॉल्ट को देखते हैं नमक है तो उसका जो ना NaCl है, ठीक है, या मैग्नीशियम सल्फेट है, ये एक फार्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट का। और इस तरह बहुत सारे शुगर का जो फार्मूला है, ये हमारे पास C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास शुगर आती है, ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे के सारे ये कंपाउंड है, ये सारे के सारे कंपाउंड है और ये खास फॉर्मूले से। लेकिन जो यहाँ पर मिक्सर में मिक्सर डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला एंड कंपाउंड्स दे आर होमोजीनियस इन नेचर, ऑन द कंट्रेरी मिक्सर आर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, बोथ टाइप्स ऑफ मिक्सर आर कैन बी फॉर्म्ड, यानी आप इसको इस तरह बना सकते हैं दोनों पे। तो इसके बाद हमारे पास सिक्स नंबर पे है कि कंपाउंड्स दे हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता है, यानी उनका जो क्योंकि वो किसी भी रेशो के साथ आपस में मिले होते हैं और इसलिए उनका कोई खास मेल्टिंग पॉइंट या शार्प नहीं होता है, यानी फिक्स नहीं होता। तो लिहाजा ये कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि आप इनको याद करना है और तैयार करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पता चली होगी, लेकिन ये सारे के सारा अकॉर्डिंग टू योर बुक है, जो हमने आपकी बुक है उसके मुताबिक जो है ना इसमें से, ठीक है, थैंक यू।